गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में बी एंड एस स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको कराऊंगा फ्रैक्शन, जो कि यूपी टेट प्राइम लेवल में इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन में से आते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन कराऊंगा, फिर इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कराऊंगा, ठीक है। उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। मैं आपको इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करूंगा और हिंदी में भी। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं हम भिन्न। किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर जो भागफल निकलता है उसे हम भिन्न कहते हैं। किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर जो भागफल निकलता है उसे भिन्न कहते हैं साधारण भिन्न एक परिमेय संख्या है जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जाता है जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q इक्वल टू जीरो अर्थात Q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, अर्थात Q का मान जीरो कभी भी नहीं होगा। यदि भिन्न p अपॉन q के रूप में है, यदि भिन्न p अपॉन q के रूप में हो तो p को अंश तथा q को हर कहते हैं ठीक। ये हमारी हो गई हिंदी। अब इंग्लिश में आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं। फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट और फ्रैगमेंट
ए पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट। और ए फ्रैक्शन इंडिकेट्स वन और मोर पार्ट ऑफ ए होल, वन और मोर पार्ट्स ऑफ ए होल, यानी होल नंबर्स में जितने ही पार्ट होते हैं उसके पार्ट का वन और या एक से ज्यादा हिस्सा हो सकता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल था फॉर एग्जाम्पल 4/7, ये हमारा फ्रैक्शन था। इसमें इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इंग्लिश में न्यूमरेटर, हिंदी में बोलते हैं इसको अंश। ये होता है डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम हर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। अब इसके आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो नंबर फर्स्ट आता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी कि जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/9, 4/9, 5/9 etc, ये हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। नंबर सेकंड आता हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं? फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। वे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर इक्वल्स नहीं होते, वे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर इक्वल्स नहीं होते अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 3/8 एक्सेट्रा, इनके आपके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यूनिट फ्रैक्शन, जैसे हम बोलते हैं इकाई भिन्न। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर वन, फ्रैक्शंस
फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर न्यूमरेटर वन आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, यानी कि जिन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर या अंश वन होता है उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन अपॉन वन, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री या वन अपॉन फाइव एक्सेट्रा। अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखिए तो फ्रैक्शन हुज़ न्यूमरेटर ए फ्रैक्शन हुज़ न्यूमरेटर हुज़ न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड आ प्रॉपर फ्रैक्शन। वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल थ्री अपॉन सेवन, फोर अपॉन फाइव एंड सिक्स अपॉन इलेवन etc, यानी कि वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे हम यूनिट प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, इट्स डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आर कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल फाइव अपॉन फोर, सेवन अपॉन फाइव, एट अपॉन थ्री etc, यानी कि वे भिन्न जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जिनका अंश हर से बड़ा हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट कौन सा आपका इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, देखिए
When an improper fraction, when an improper fraction is written as a combination of a whole number and a proper fraction it is called a mixed fraction. For example, ये हमारा लिखा हुआ है मिक्स्ड में 34/7, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं 47 या 28 में से 34/7, अब इसको हम लिख देंगे 4+6/7। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है आपका 5/2, तो 2 होल 1/2 इट मीन्स 2+1/2 एक्सेट्रा। अब आता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्या आता है हमारा इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वाई द सेम नंबर फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 4/8। यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होते हैं जिनमें या तो मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से, तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।